कैमूर जिले के भगवानपुर स्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर परिसर के पास 2 दिवसीय माता मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री रामप्रीत पासवान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ में सासाराम कैमूर के MLC संतोष सिंह, DM नवदीप शुक्ला, SP राकेश कुमार सहित कई अधिकारी समाज सेवी शामिल थे। बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने कला और धुन में दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और खूब तालियां बजीं। दर्शक खूब आनंद लेते हुए दिखे। बिहार के संस्कृति, लोक कला, लोकगीत को कलाकारों ने प्रस्तुत किया। लोकगीत में शोहर झूमर भी कलाकारों ने प्रस्तुत किया, तो वहीं पूर्णिमा श्रेष्ठा की टीम ने एक से एक बढ़कर गीत प्रस्तुत किया। जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार PHED विभाग के मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने बताया कि कोरोना काल के कारण मुंडेश्वरी महोत्सव नहीं हुआ, आज फिर एक बार महोत्सव शुरू किया गया है। हम माँ से कैमूर के साथ बिहार के कल्याण की कामना करता हूँ। मुंडेश्वरी मंदिर को भव्य निर्माण का दावा भी किया गया, जिससे देश में कोने कोने से पर्यटक माता के दर्शन करने पहुंचे। माता मुंडेश्वरी महोत्सव हर साल मनाया जाता है। बिहार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, पर पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण महोत्सव स्थगित किया गया था, जिससे दर्शकों को महोत्सव का काफी इंतजार था। इस महोत्सव में माँ की दरबार में आया हूँ, आप एक बार नारा देंगे, माता मुंडेश्वरी की, माता मुंडेश्वरी की। अभी जिला पदाधिकारी कैमूर से जानकारी मिली, ये 8वां महोत्सव, ये 7वां महोत्सव है। कोरोना काल में 2 वर्ष महोत्सव नहीं हो सका, तो इस महोत्सव में आज ममता सिंह हमारे विधान परिषद के सदस्य, माननीय संतोष बाबू हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैमूर मनोज जायसवाल जी, हमारे इस कैमूर के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, इस मेला के सचिव अशोक सिंह जी, हमारे विधायक श्री भरत बिंद जी चले गए, भरत बिंद जी, प्रमोद सिंह यादव जी जो पूर्व चेयरमैन जिला पार्षद, बिरजू पटेल जी, अन्य हमारे कैमूर जिला के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित, सभी गणमान्य अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, मीडिया के भाइयों जो इस दीर्घा में बैठे हुए, आज इस महोत्सव में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे जिला पदाधिकारी, जिला के पुलिस अधीक्षक और अन्य पदाधिकारी अन्य वर्षों की भांत इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित है। मुझे हर्ष हो रहा है जो मैं इस जिला के प्रभारी होने के नाते मैं आपके बीच में हूं और माता मुंडेश्वरी के दरबार में इस महोत्सव में आया हूं। भारत और ये बिहार अपने आप में वो धर्म निरपेक्ष वो देश है, सभी धर्मों का सम्मान हमारे संविधान में है, सभी लोगों का सम्मान है। मैं 2 बार माता मुंडेश्वरी के दरबार में आया हूं दर्शन करने के लिए। मुझे यह उम्मीद नहीं था और मैं आपको बताया कि मैं पहली बार आया, जब माँ के दरबार में जब हम पहुंचे तो ये खंडहर जैसा मंदिर हमको देखने को मिला और ऐसा मंदिर कहीं पूरे भारत में नहीं। मंदिर है तो मंदिर है, ये खंडहर का स्वरूप नहीं। मैं अपने जिला के पदाधिकारी और सभी पदाधिकारी जो इस विभाग से संबंध रखते हो, यदि यहां उपस्थित हो, मैं अपने SP साहब से, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, घर में यदि कोई दर्पण होता है और दर्पण फूंक जाता है तो उसमें लोग अपना चेहरा नहीं दिखता, जैसा हम लोगों के यहां परंपरा है। इस मंदिर में देवी का हम दर्शन करते हैं
लेकिन वह खंडर जैसा मंदिर है, कहीं इधर टूटा है, कहीं इधर टूटा है, कहीं वहां फेंका हुआ है। तो मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह करूंगा, आप इस जिला के प्रथम नागरिक हैं और अपने राज्य जहां कहीं भी कोई व्यवधान हो तो पत्राचार करके या पुरातत्व विभाग से हो या वन विभाग से हो, मुझे जो जानकारी मिली आप उसको करें। मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते सरकार में भी मैं पहल करूंगा और निश्चित रूप से मंदिर का निर्माण हो, ये मेरा आग्रह है। जस के भागी बने मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, जो एक ऐसा दृश्य हो इस कैमूर और भभुआ की धरती पर, जो माता मुंडेश्वरी के जो बरसों लगता है जो किसी धारदार हथियार से या तो उसको काटा गया है या तोड़ा गया है, अब कब टूटा इतिहास मुझे नहीं मालूम। आज हमको खोज रहे थे तो इसका कुछ इतिहास मिले डीएम साहब, लेकिन एक पन्ना में मिला वो अभी अधूरा मिला, वह कुछ व्यक्त करने लायक नहीं है, उसमें ये कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आखिर वह खंडहर कैसे बना, आखिर जिसने वह बनाया स्वरूप लगता है जो मंदिर था, लेकिन आज के तिथि में नहीं है। इसीलिए मैं आज इस महोत्सव के अवसर पर माता मुंडेश्वरी के दरबार में, आखिर कहीं न कहीं एक शक्ति है जो लाखों लोगों की भीड़ होती है, माथा टेकते हैं और निश्चित रूप से कल्याण होता है, तो निश्चित रूप से इस मंदिर का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूं और अपने जिला के हमारे पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी अन्य पदाधिकारी सबों का मैं अभिनंदन करते हुए आज मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। भारत माता की, माता मुंडेश्वरी की, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।